जिन पांच की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि कुपवाड़ा पुलिस ने यह क्लेम किया है कि पांचों हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट एसोसिएट्स हैं। और साथ ही प्रेस रिलीज में यह भी मेंशन किया गया है कि पुलिस और आर्मी को इनपुट्स मिले थे मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा कि एक टेरर मॉड्यूल हिजबुल मुजाहिदीन का क्रालपुरा इलाके में एक्टिव है, जो कि बाकी मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट या फिर सेफ शेल्टर दे रहा है, साथ ही साथ आर्म्स एंड एमुनिशन की भी मदद कर रहा है। और उसके बाद एक जॉइंट टीम पुलिस और आर्मी की वहां पर उन्होंने तीन मिलिटेंट एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया। एक का नाम अब्दुल रूफ मलिक बताया जा रहा है और साथ ही बता दें कि अल्ताफ अहमद पायर एक का नाम बताया जा रहा है जो दत्सुन क्रालपुरा से ताल्लुक रखते हैं। एक का नाम रियाज अहमद लोन बताया जा रहा है जो क्रालपुरा से ताल्लुक रखता है। और जब उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ डिस्क्लोज किया, आपको बता दें प्रेस रिलीज में मेंशन किया गया है कि अब्दुल रूफ मलिक सन ऑफ गुलाम मोहम्मद मलिक और अल्ताफ अहमद पायर सन ऑफ गुलाम कादिर पायर, जो दोनों दत्सुन क्रालपुरा के रहने वाले हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया। और जब इनसे क्वेश्चनिंग किया गया, पूछताछ किया गया, तो इन्होंने डिस्क्लोज किया दो हाइडआउट्स के बारे में। और उनका कहना था कि दो हाइडआउट्स बनाए गए हैं हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट के द्वारा, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, और एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट हैंडलर है फारूक अहमद पीर नदीम उस्मानी ऑफ काकरोसा कुपवाड़ा का, जो फिलहाल पीओके में बेस्ड है, और आर्म्स एंड एमुनिशन जो है उस बारे में उन्होंने जानकारी दी। और दो हाइडआउट्स जो थे उसको डिस्क्लोज किया है। और साथ ही आपको बता दें एक AK राइफल, दो AK मैगजीन, 119 AK एम्यूनिशन, एक पिस्टल मैगजीन, चार पिस्टल राउंड, छह हैंड ग्रेनेड और एक IED के साथ दो डेटोनेटर्स और दो वायर बंडल्स और एक वाटर टैंक अप्रोक्सीमेटली 100 लीटर कैपेसिटी वाला, वो उस हाइड आउट से रिकवर किया गया है। और ये तीनों जो हैं 6 लाख बताया जा रहा है जो कैश है इनके पास था जून 2022 में, जो कि हाइडआउट्स बनाने के लिए या मटेरियल के लिए यूज होता था या आर्म्स एंड एमुनिशन के लिए यूज होता था। और साथ ही 64,000 रुपीस जो है 6 लाख में से उसे रिकवर किया गया है, पर जून में इनके पास 6 लाख थे, अब उसमें से 64,000 बच गया था जो इनसे रिकवर किया गया है। और दो और मिलिटेंट एसोसिएट्स हैं जिसका एक का नाम अब्दुल माजिद बेग है सन ऑफ गुलाम मोहम्मद बेग, जो कि हुमहामा बडगाम का रहने वाला है, दूसरा बांडीपुरा का रहने वाला है। ये भी एक्टिवली जो है इनको सपोर्ट कर रहे थे और इन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेन किया गया है। और जो बाकी जो मिलिटेंट एसोसिएट्स हैं, एक और जो है मिलिटेंट फयाज गिलानी जो बडगाम का रहने वाला है और प्रेजेंटली पीओके में है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और साथ ही ये भी बताया गया कि ये जो पूरा ग्रुप है, ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट आर्म्स एंड एमुनिशन और शेल्टर देने का जो काम करता था बाकी मिलिटेंट्स को, अब फिलहाल केस दर्ज हो चुका है। और क्या कुछ कहना है पुलिस की तरफ से, आइए आपको सुनाते हैं। गुड इवनिंग, आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CO 17 जैकरीफ और CO 41 RR शामिल है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी जो इंटेलिजेंस हैं, उनने एक खबर डेवलप की थी जिसके बेस पे ये पता चला कि क्रालपुरा के एरिया में HM का एक मॉड्यूल जो है वो एक्टिव है और वो वहाँ पे टेररिस्ट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और दूसरा जो इसके अलावा आर्म्स एमुनिशन या जो दूसरे उनके बंदोबस्त हैं वो कर रहा है। उसी सिलसिले में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया वहाँ पे और तीन लोगों को पहले, जिनमें एक का नाम अब्दुल रऊफ मलिक है, दूसरे का नाम जो है वो रियाज अहमद है और तीसरे का नाम है अल्ताफ, ये तीनों लोगों को अरेस्ट किया। इनके तीनों के इंकशाफ पे और डिस्क्लोजर पे दो हाइडआउट्स जो हैं वहाँ पे बस्ट की गई। उन हाइडआउट्स से एक AK-47, दो मैगजीन्स, 119 AK के राउंड्स, एक पिस्टल के चार राउंड्स और पिस्टल का एक मैगजीन, इसके अलावा एक IED और दो जो हैं डेटोनेटर्स हैं, IED लगाने के लिए दो तार के बंडल हैं और एक टैंकी भी जो गोया लगती है कि वो पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ पे बनाई गई थी या असला एम्यूनिशन को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी वो भी थी। अभी इब्तदाई तफ्तीश में ये भी पता चला है कि इस ग्रुप को के साथ दो और लोग भी शामिल थे, जिनमें एक का नाम अब्दुल मजीद है जो कि बडगाम का रहने वाला है, उसे भी हिरासत में लिया गया है और एक सोपूर का लड़का है।
जो कि बांडीपुर में रहता है, उसका सोपुर और बांडीपुर दोनों इलाकों में रहता है और उसको भी अभी क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। और इसके बाद इसी तफ्तीश में एक ये भी पता चला कि जून के महीने में इस ग्रुप को 6 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तान के एक फारूक नाम के हैंडलर हैं जिसको जिसका कोड नाम नदीम उस्मानी है और वो यहाँ कुपाड़ा ककरूसा का रहने वाला है, वो इनको हैंडल कर रहा था और उसने प्रोवाइड करवाए थे 6 लाख रुपया जो कि हाई डाउट्स और बाकी आर्म्स एमुनिशन को खरीद या जो हाई डाउट के लिए जो सामान था उसको खरीदने के लिए दिए गए थे। उस 6 लाख में से भी कुछ जो पैसा है वो नकली सिम्स लेने के लिए या मोबाइल्स लेने के लिए इस्तेमाल किया गया और बाकी कुछ पैसा जो है वो हाई डाउट के लिए कुछ चीज़ें जो खरीदी गई हैं और अलावा अजीं 64,000 रुपया जो है वो उसमें से बरामद भी हुआ है जो कि वही इनके इंकशाफ पे हुआ है। तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले में है लेकिन ये बड़े स्टर्टलिंग रेवोल्यूशन इसमें आए हैं कि ये HM का एक ऐसा मॉड्यूल था कि जो यहाँ से लेके और श्रीनगर तक एक्टिव था और एक बार इनकी कोई ट्रांसशिपमेंट जो है वो आर्म्स और एमुनिशन की यहाँ से श्रीनगर के लिए भी एक्टिव टेररिस्ट के लिए हुई है। बहरहाल उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश है क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो शुरुआती लम्हे में है और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको तफ्तीश के अगले मरहले में शेयर किए जाए। देखिए इनको चूँकि यहाँ के ही लोग जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, एक जिसका नाम फारूक अहमद पीर जिसको जिसका कोड नाम नदीम उस्मानी भी है वो ककरूसा का रहने वाला है और एक फयाज़ गिलानी करके बडगाम का शख्स है जो भी वो भी टेररिस्ट हैंडलर है और वो भी पाकिस्तान में है, ये दोनों इनको हैंडल कर रहे थे। और जिस तरीके से मैंने बताया पहले भी कि एक बडगाम का शख्स भी इस में मुलव्वस है और कहीं ना कहीं चूँकि इलाका LOC के पास है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन को हो सकता है फैसिलिटेट करने के लिए ये ग्रुप एक्टिव हुआ हो और बाकी आर्म्स और एमुनिशन को स्मगल करने के लिए और टारगेट्स जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कहाँ पे, क्योंकि जैसे ID मिली है उससे ये भी साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं उसकी ताक में भी थे कि जहाँ पे ये ID प्लेस करके और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान कर सकते थे। कुनान पुशपुरा का एक रशीद नाम का लड़का जो जो कि 4-5 दिन पहले किसी वजूहत पे मतलब उसको टेररिज्म रिलेटेड किसी पूछताछ के लिए उठाया गया था और उसके दौरान उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ये मालूम हुआ है कि उसने कुछ इंकशाफ किया कि वो किसी जगह उस एक कोई हाइड आउट है और उसको वहाँ के लिए जब फौज ने लिया वहाँ पे वो स्लिप आउट हुआ है। बहरहाल हम उसकी जो है तलाश जारी रखे हुए हैं और पहले दिन से कुछ आज तक 1-2 क्लूज जो मिले हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि किन सरकमस्टांसिस में लड़का जो है वो स्लिप देके वहाँ से निकला है वो उन पर भी काम किया जा रहा है। लोगों का भी क्योंकि उसके घर वालों से भी बात हुई है और उनको भी पूरी यकीन दहानी आपके ज़रिए भी आज दिलाते हैं कि किसी भी हद तक हमें अगर जाना पड़े तो हम ये ज़रूर पता लगाएंगे कि लड़का किन सरकमस्टांसिस में भागा है और उनके जो अगर कोई और खदशात हैं वो भी तफ्तीश में अपना जिस तरीके का भी वो बयान देंगे उस पर भी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वो कहीं ना कहीं वो भी एक इस जो ये मॉड्यूल मैंने बताया आपको इससे एक मिलता जुलता मॉड्यूल था जिस पे भी एक इंटेलिजेंस के बेस पे ही उसको उठाया गया था।